हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको कहीं घुमाने लेके नहीं जाने वाली ऑन अ वर्चुअल ट्रिप, बट आपको मैं एक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो के एंड तक बने रहो, और स्पेशली अगर आप एक मेल हो, बॉय हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो चलो बिना डिले किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो एज अ यंगस्टर हमारा कभी ना कभी लाइफ में गोवा जाने का प्लान ज़रूर बनता है। जब हम कॉलेज में होते हैं या स्कूल में ही होते हैं, हम पिक्चर्स वीडियोस लोगों को देखते हैं तो हमें भी लगता है हम जाएंगे। और ऐसे बहुत बार आपके साथ भी होता होगा कि आपके प्लान्स बनते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं होते। सो अगर आपका गोवा का प्लान फाइनली बन गया है, कंग्रेचुलेशंस। यू आई विश यू एंड योर फ्रेंड्स विल हैव लॉट्स ऑफ फन। बट देर आर फ्यू थिंग्स जिसके बारे में मैं आप चाहती हूँ कि आप अवेयर रहें, और उसमें से एक सर्कमस्टांसेस मैं आपको बताती हूँ आपको किसके बारे में अवेयर रहना है। सो मान लो आपके गोवा जाने का प्लान बन चुका है, सो दैट्स गुड, ग्रेट, आप पहुँच के गोवा। सब चाहते हैं उनकी गोवा की ट्रिप मेमोरेबल हो। जब आप वापस आओ तो आपको नॉस्टैल्जिक सा फील हो कि आपको दोबारा जाना है। उसके लिए हमें कोई चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज एज एन आउटसाइडर हमें पता नहीं होता कि दूसरे शहर में चीज़ें क्या चलती है। एज अ टूरिस्ट आपके साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा, हमें बस वही पता होता है कि हमें हमारी बुकिंग यहाँ है, हमें ये करना है, वो करना है। बट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आपके जो आपको सर्व करते हैं, सर्विस देते हैं रेस्टोरेंट्स में, बीच में, बहुत सारी जगह। सो मैं आपके सामने एक सिनेरियो बता रही हूँ जो कि मैंने जो कि मेरे नॉलेज में है, ऐसा होता है एंड मैंने अपनी आंखों से देखा है। सो मान लो आपका गोवा जाने का प्लान बन गया, ठीक है, आप बीच में बैठे हुए हो कहीं। सो आप एज ए यंगस्टर मेल हो और आपके अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी है, सबके अंदर होती है, दैट इज़ फाइन, कम्प्लीटली फाइन। सो मैं आपको ये इस जो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में मैं अवेयर हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, सारा इंसिडेंट कैसे एकदम से क्या हो जाता है। सो आप ध्यान से सुनना और इसको एंड तक देखना। सो आप एक मेल हो और आप लगा लो 22, 23 और वॉट एवर एज आप हो, और आप गए हो गोवा। तो वहाँ पे आपके आपको जो सामने वाला बंदा है, बिकॉज यू नो एज अ टूरिस्ट प्लेस आप कोई पैसे अर्न करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, दोनों तरीके से सब जगह अर्न करते हैं। सो ये आपकी कॉल है, आप किस चीज़ों में फंसते हो या नहीं फंसते हो। सो अगर आप बैठे हुए हो मान लो शैक में, बीच शैक में, और वहाँ पे आपके सामने कोई आएगा और आपको बोलेगा कि सर हमारे पास लड़कियाँ हैं, ठीक है, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ओपनली बता रही हूँ आपको। सो ये चीज़ें आपको बोली जाएगी एज अ यू नो एज अ पर्सन, हमारे अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी होती है। यू बी लाइक, अच्छा, दिस इज़ योर फर्स्ट गोवा ट्रिप, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और आपके सामने एंड यू हैव इमेज की यू नो आपको गोवा जाना है, आपको पार्टी करनी है, आपको फन करना है, चिल करना है फ्रेंड्स के साथ, तो दे लॉट मेनी थिंग्स। तो आपके साथ अंदर क्यूरोसिटी होगी, आपको बोलेगा अच्छा चलो इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए। सो दे नो कि आप कन्विंस हो गए हो, देर विल बी सर्टेन चार्ज जो आपसे वो बोलेंगे, दे विल टेक यू टू अ प्लेस जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ कहाँ है, आप पूछोगे कहाँ है, तो फिर वो आपको ट्रैप में फंसा देंगे। उनकी पूरी गैंग होती है, वो आपको ट्रैप में फंसा देंगे। वो आपको ये बोलेंगे कि आपके पास जितने भी कीमती चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके वॉच, इफ़ यू हैव अ एक्सपेंसिव ज्वेलरी काइंड ऑफ गोल्डन के चेन, गोल्ड का चेन या वॉच हो गया, आपके वॉलेट होंगे, पैसे होंगे, वो चीज़ आपसे सब चीज़ ले ली जाएगी। देर वुड बी नो काइंड ऑफ इन्जॉयमेंट दैट विल बी हैपनिंग विद यू। आप फंस चुके हैं इस टाइम ट्रैप पे, ठीक है, आपने किसी को बताया नहीं है, आपके कोई फ्रेंड्स को आपके बारे में नहीं पता है, और आप सोचोगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, दे विल ट्राई टू रिप यू। सो आपको उस टाइम को समझ नहीं आएगा, बिकॉज आप ऐसी चीज़ें हैं कि आप बता भी नहीं सकते किसी को। तो फिर आप सोचोगे कि मैं कॉल करता हूँ, आप आपको लास्ट में दिमाग में आएगा कि शायद आपकी पुलिस इस मामले में मदद कर दे, हेल्प कर दे। अगर आप पुलिस को कॉल करने जाओगे, दैट इज ऑल्सो अगेन रिस्की। ये आपको आपको पता है कि दीज आर द थिंग्स विच आर पेड सर्विसेज विच यू यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग इज इलीगल इन इंडिया। तो आप वहाँ से भी गए, देर वुड बी नथिंग दैट कैन हेल्प यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप घर वालों को कॉल नहीं कर सकते, आप अपने फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स को भी बचा नहीं सकते इस टाइम पे। अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप बिल्कुल फंस चुके हो इस चीज़ में। सो ये बहुत ही जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको सुनने में काफ़ी यू नो नॉर्मल लगे, लेस स्ट्रेसफुल लगे, बट आप अगर उस सिचुएशन में होगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, और ट्रस्ट मी आपके पास उस टाइम कोई भी नहीं होगा आपकी हेल्प करने के लिए, एंड ऑल योर ट्रिप प्लान्स वुड बी गॉन इन वेन, ठीक है। सो इससे मैं आपको यही इंडिकेट कराना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई भी स्कैम, ऐसी कोई भी ट्रैप में मत फंसो जहाँ से आपको मुश्किल हो जाए निकलना भी, फाइनेंशियल लॉस आपकी मेमोरी में वो हमेशा स्टिक रहेगी कि आपने यू नो आपके आप जब गोवा ट्रिप में गए थे तो आपके साथ ये हुआ था, एंड ऑफ कोर्स दैट विल नॉट बी अ गुड मेमोरी ऑफ योर्स। और आपके पैसे भी गए, आपके एक्सपेंसिव चीज़ें भी गई, आप ऑब्वियसली बजट ट्रिप पे आते हो तो वो भी गया, सब कुछ गया। आप आई डोंट नो आपकी आप अपने फ्रेंड को भी बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। सो हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करनी जिसमें हमें हम फंस सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेक प्लान्स, हैव फन, गो ऑन अ ट्रिप, बट इन सब चीज़ों से बस बच के रहो, बिकॉज वो एज एन आउटसाइडर वो आपको एनालाइज कर लेते हैं, उनका डेली का यही काम ही है आपको एनालाइज करना और किसको ट्रैप में फंसाया जाए। तो आप बीच शैक्स में जाओ, इन्जॉय करो, फन करो, फ्रेंड्स के साथ चिल करो, एडवेंचरस एक्टिविटीज़, इतनी सारी चीज़ें करो, बट ये एडवेंचर नहीं करनी है हमें।
और जनरली मैंने देखा है इन सब चीज़ों में टीनेजर जो लड़के होते हैं, टीनेजर बॉयज़, वो लोग ज़्यादा फंसते हैं बिकॉज दे हैव दिस क्यूरियोसिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स विच इज़ फाइन, बट देर 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 शुड नॉट बी एनीथिंग लाइक दिस जिससे आप निकल नहीं पाओ. कल को यू नेवर नो, आपके घर पे कॉल हो गया, पुलिस आ गई. अगर इस केस में पुलिस आ जाती है तो वो आपके घर पे कॉल करेगी, और घर पे कॉल करेगी और क्या बताएगी, किस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे, वो आपको भी पता है. सो एक एक जो आपका ट्रस्ट आपके पेरेंट्स के साथ, और आई मीन जो भी आपके क्लोज हैं उनके साथ, वो ट्रस्ट भी गया, एवरीथिंग विल बी इन गटर. सो प्लीज़ डोंट टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप. जाओ सेफली घूमो, फन करो, और सही सलामत सेफली वापस आ जाओ. ओके, सो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, बिकॉज ये मैं बहुत ही सोच रही थी ये वीडियो बनाऊँ, और ये मैं बना नहीं पा रही थी बहुत टाइम से, बट फाइनली आज मैंने बना दिया है. प्लीज़ अवेयर रहे रहें आप इन सब चीज़ों के लिए. बाकी अगर आप गोवा जाने का सच में प्लान कर रहे हो, अगर आपने टिकट भी करा लिया है, तो फिर आप, मैंने गोवा का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अच्छी जगह एज इन क्राउडेड प्लेसेज, पार्टी प्लेसेज, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, पार्टी कहाँ करनी है, सिक्योरिटी बीचेस कौन से हैं, और खाना कहाँ है, लोकल फूड खाना कहाँ है, सब कुछ मैंने बना रखा है. तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे. मिलती हूँ अगले वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो से रिलेटेड, और गोवा के कोई भी वीडियो से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.